What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 21 जुलाई 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:35 हो रहा है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद एक वियर्ड मार्केट, एक स्लगिश पैटर्न हमें निफ्टी इंडेक्स में पूरे इंट्राडे टाइम फ्रेम के चार्ट में देखने को मिला। तो सबसे पहले कल के आने वाले एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते। तो ये एक पिक्चर है कल का, यानी 20 जुलाई आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि कल का हमारा एनालिसिस बन रहा था, ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,934 के पास। तो जैसे ही आप देख रहे हैं ये चार्ट 5 मिनट का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स सेकेंड टारगेट के ऊपर ही ओपन हुआ और कंटिन्यूस एक साइडवेज पैटर्न है, पूरे दिन ये ट्रेड हो रहा था, काफ़ी साइडवेज पैटर्न था। ऐसा एक भी यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, उसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट कल नहीं था। ऐसा होता है कि एक हाथ दो दिन हमें ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर ट्रेंडलेस मार्केट होता है, वहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट हमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट ये जो हमारा सेकेंड टारगेट है, एग्जैक्ट इसी लेवल को काफ़ी देर ये पेनेट्रेट कर रहा था, फिर एक बार नीचे आने की कोशिश की तो फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया। काफ़ी स्लगिश वे में ट्रेड हो रहा था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो आज क्या हो सकता है निफ्टी में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले कल जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी कि जो फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हो रहा है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो उसके हिसाब से पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट भी देखें तो कल नासडैक करीब 263 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो वहाँ पर हल्की सी बढ़त देखने को मिली, हालांकि लंदन मार्केट 28 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज एशियाई बाज़ार देखें तो लगभग सभी हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 112 पॉइंट की तेज़ी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाव फ्यूचर देखें तो अभी हल्की सी वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 25 पॉइंट्स की। तो काफ़ी तेज़ी के साथ इस समय एशियाई बाज़ार ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। 76.4% का लेवल 10,600 के पास आ रहा था, जहाँ पर ये 50 ईएमए लगभग उसी लेवल के पास था और ऊपर 100 ईएमए जो कि अराउंड 10,700 के पास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर पास डेटा को देखें तो यहाँ पर एक जो सपोर्ट बन रहा था पास्ट में, जहाँ पर अभी इसने काफ़ी देर इस लेवल के पास 10,600 इस लेवल के पास काफ़ी समय इसने बताया, ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। अभी इसके ऊपर का अगर ये लेवल देखें यहाँ पर, तो ये एग्जैक्ट हमारा जो 100% का लेवल है 11,184 इसी लेवल के पास आ रहा है, जहाँ पर इसने पास्ट में एक रेजिस्टेंस फेस किया था। और उसके बाद में फ्यूचर में इसने यहाँ पर दो बार, ये देखिए यहाँ पर दो बार ऐसे सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ है। तो 11,200 के पास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। कल हमने 11,000 को मार्क किया था, लेकिन कल जैसे ही गैप अप ओपन हुआ ये 11,000 के ऊपर ही यहाँ पर ओपन हुआ, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन फेज था काफ़ी टाइम, काफ़ी वीक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला था, जिसका अपर बैंड का लेवल 11,000 के पास आ रहा था। तो अभी 11,000 के ऊपर ये कल इसने क्लोज दिया है। तो ऊपर अभी 11,184 जो कि 100% का लेवल आ रहा है इस फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू, तो 11,200 ये हर्डल होगा। और नीचे ये वीकली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, और नीचे 11,600-700 ये सपोर्ट का जोन होगा। अभी इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ 11,200, ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, आज ही होगा ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। तो 11,200 एक हर्डल होगा। हमने देखा कि कैसे पास्ट में इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया था, तो क्या अभी ये यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाएगा? इस लेवल को अगर क्रॉस करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही यहाँ से हमें फर्दर अपसाइड मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये था वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में भी अगर आप मूविंग एवरेजेस का अभी स्ट्रक्चर देखें, तो ऊपर अभी 20 ईएमए चला गया, उसके नीचे 100 और 50 ईएमए ट्रेड कर रहा है।
तो जो अपसाइड के लिए स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, यानी इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर्स में मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, तो ये स्ट्रक्चर अभी बनने जा रहा है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 50 EMA 100 EMA को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से हमें फिर से एक बार रैली अपसाइड मूव में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ऊपर 11,200 मेजर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर अभी सस्टेन करता है तो निफ्टी इंडेक्स और तेज़ी यहाँ से दिखा सकता है। 20 EMA डेली चार्ट में देखे तो 10,600 के पास है, हमने वीकली चार्ट में देखा 50 EMA उसी लेवल के पास आ रहा था, तो नीचे अभी 10,600 का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऐसा मानकर हम चल सकते हैं। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमने देखा अभी एक ग्लोबल मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है अभी आज भी गैप अप ओपन ज़बरदस्त हमें मार्केट में दिखने को मिले। तो अगर ये ऊपर R1 के लेवल के पास यहाँ पर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, हो सकता है एक्सट्रीम गैप अप ओपन हो यहाँ पर, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो फ्रेशर जो न्यू ट्रेडर्स है वेट करें, काफ़ी रिस्की साबित होगा। गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में ट्रेड करना काफ़ी रिस्की साबित होता है, एक्सपीरियंस है तो ही आप गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में ट्रेड करने का मौका ढूंढ सकते हैं। इस लेवल के ऊपर यानी R1 11,055 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,070, एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,089, तो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो ये जो R2 का लेवल है पिवट पॉइंट का, इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स को सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम तभी बाय पोजीशन बना सकते हैं। अगर R2 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है गैप अप होने के बाद तो ही, और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर जो कल का लो बन रहा था यानी 10,952 अगर ब्रेक होता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा 10,931, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,919 जो कि पिवट पॉइंट का S2 का लेवल है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ZERODHA है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।